हेलो दोस्तों, आप सब लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए तो आपको मेरी हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो नमस्कार, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साजिद गांव का ऑफिशियल। और आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं 4 से 5 वीडियो बनाऊंगा रेलवे के ऊपर, क्योंकि बहुत से लोग सर्च करते हैं रेलवे के बारे में, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। और आज का हमारा टॉपिक है कि आज हम बात करेंगे कि रेलवे में डिफरेंट टाइप के कोटा होता है। कोटा मतलब मैं बताऊंगा कोटा एक्चुअली क्या होता है, कैसे होता है, कोटा मतलब क्या है, वो पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना है, और दोस्तों ये वीडियो अंत तक देखें तो अब हम हमारा वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है साजिद गांवकर ऑफिशियल में, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साजिद गांवकर ऑफिशियल। और आज का हमारा टॉपिक है, और आज हम बात करेंगे कि आपको पता ही है कि रेलवे में डिफरेंट टाइप्स के कोटा होता है। कोटा मतलब आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी, जब भी आप टिकट बुक करनी होती है वहाँ पर कोटा देखना होता है, एक एक बार नहीं होता है, नॉर्मल होता है। तो आपको क्या करना है, कौन सा है, वो लिखना पड़ेगा। मैं पहले बता दूँ, पहला कोटा है वो है जनरल कोटा। सभी नॉर्मल लोग जो होते हैं 90% लोग जनरल कोटा में बर्थ बुक करते हैं, बर्थ नहीं तो ट्रैवल करते हैं जनरल कोटा। जनरल कोटा एक बेसिकली एक चीज़ है, जैसे कि अगर आप 3 महीने बाद जा रहे हैं, 2 महीने बाद जा रहे हैं, अगर आप बुक करें वो जनरल कोटा है। अगर आप कौन से भी जनरल बुकिंग में भी जा रहे हैं तो भी जनरल कोटा है। अगर आप बुक करते हैं कि आपका डेट आगे है तो जनरल कोटा होता है, बहुत बार होता है जनरल कोटा होता है। अगर उसके बाद आता है तत्काल आता है। तत्काल तो आपने बहुत सारे सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं अरे किस पे आया, अरे मैं तत्काल में आया। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं तत्काल में बुक किया था। तत्काल एक बेसिकली ऐसी है, वो इमरजेंसी के लिए होता है। जैसे कि अगर आपको आज रात को जाना है तो आपको आपका टिकट काउंटर खुलेगा आज सुबह 9 बजे, आपको रिपोर्टिंग टाइम होता है 90%, और वहाँ पे आपको बुक करना होता है टिकट। टिकट हुई तो ठीक है, नहीं तो आपको नहीं बुक करना मिलेगा, वहाँ पे बुक करने को नहीं मिलेगा। बाद में आपका टिकट गया, वेस्ट हो गया, तो आपको जनरल बुकिंग में जाना पड़ेगा, इसलिए वो तत्काल ये होते हैं। तत्काल की एक एडवांटेज है, क्योंकि अगर टिकट मिल गया तो आपको बैठने को मिल गया, अगर टिकट नहीं मिला तो बहुत टेंशन होती है। क्योंकि बेसिकली अगर टिकट मिला तो उसे डबल चार्ज होता है स्लीपर से, जनरल बुकिंग से 3 गुना और स्लीपर से 2 गुना। समझ, स्लीपर में आपका चार्ज है 500 रुपया, तो तत्काल में आपको होगा 1000 रुपया। तो तीसरा जो कोटा है हमारा वो है प्रीमियम तत्काल। प्रीमियम तत्काल एक ऐसी चीज़ है जो बहुत से अमीर लोग उसमें ट्रेवल करते हैं, हम जैसे गरीब के लिए तो वो बात ही नहीं आती। प्रीमियम तत्काल ऐसी, उसमें 3 गुना स्लीपर से पैसा मिलता है, जनरल बुकिंग से 4 गुना। जैसे कि 500 रुपये आपके स्लीपर में पड़ते हैं, कहाँ भी ट्रैवल करने से, कहाँ भी जा रहे हैं आप, केरला गोवा कहाँ पर भी जा रहे हैं, 500 रुपये आपको चार्ज होता है। तो आपको उस पर मिलेगा, समझ लो 1500 ऐसा कॉस्ट होगा, 1400। तो तत्काल में 1000 होता है, प्रीमियम तत्काल में उससे ज़्यादा होता है। बाद में आता है लेडीज़ एक एक बार ट्रेन में होता है, पीछे ट्रेन के आगे एक होता है, पीछे एक होता है, लेकिन वो मुझे पता नहीं लेडीज़ के बारे में उतना। लेकिन बुकी एक एक बार होती है, अटैच होती है लेडीज़ डब्बा, वहाँ पर बुक कर सकते हैं। और पांचवा जो हमारा आता है वो है फिजिकली हैंडीकैप, जो कि हैंडीकैप लोग होते हैं, जिसके हाथ हैंडीकैप आप समझ सकते हैं कैसे होते हैं, हमारी तरह नहीं होते, लेकिन उनको समझ होती है कि क्या क्या है। लेकिन आपको उनके लिए भी सीट बनाए होते हैं, ऐसे एरो सीट में ऐसे एरो किया होता है उनके सीट के पास, और फिजिकली हैंडीकैप तो हुआ। और छठवा आता है वो है लोअर बर्थ। अगर रेलवे में 3 बर्थ होते हैं ऐसे यू शेप में, अगर आप ले यू शेप में स्लीपर क्लास में, लोअर बर्थ, मिडल बर्थ और अपर बर्थ। लोअर बर्थ जो है नीचे आप जब विंडो के पास बैठते हैं तो आपको लोअर बर्थ मिलती है। लोअर बर्थ में वो आप बुक कर सकते हैं, अगर आप हैंडीकैप्ड है, सीनियर सिटीजन है, तो आपको लोअर बर्थ दी जाती है, वो आपके एज के हिसाब से डिपेंड होती है। बाद में आता है ड्यूटी पास कोटा। ड्यूटी पास कोटा एक उनके लिए जो रेलवे में काम करते हैं, उनके लिए ड्यूटी पास होते हैं, वो अपने पास के साथ कहीं भी फ्री में ट्रेवल कर सकते हैं। बाद में आता है डिफेंस कोटा। डिफेंस मतलब मिलिट्री वालों के लिए, उनके लिए है, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके पास कोई सुविधा नहीं है, इसलिए ये कोटा की ज़रूरत है। तो दोस्तों इस सभी बातों से आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप
मैसेज कर दो, मैं आपका सभी जवाब के रिप्लाई देता रहूँगा। चलो दोस्तों, आपको ये वीडियो इतनी तक थी और आपको मज़ा आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना दोस्तों, लाइक कर देना दोस्तों, शेयर कर देना, कमेंट कर देना दोस्तों, और सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन पर प्रेस कर देना तो आपको मेरी हर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और आप अच्छे तरह से देखे और देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।